और जितने भी मैं ये आइडिया दे रही हूँ तो आप निश्चिंत होके हाँ बाहर जा सकते हैं, और जितने भी आइडिया हैं ये मेरे, तो कोई भी आइडिया अपना सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको 7-8 आइडिया आपको देने वाली हूँ। और देखिए, इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हर प्लांट के लिए अलग अलग मैं बताने वाली हूँ। जैसे सैकुलेंट के लिए अलग, फ्लोवर इंडोर आउटडोर के लिए अलग, तो सभी प्लांट के लिए अलग अलग जैसे बताने वाली हूँ, तो आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको वीडियो में पता चलेगा। हेलो एवरीवन, की लाइव है आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है, तो ये देखिए, सभी की बच्चों की छुट्टियाँ हो जाती है और सबका मन करता है बाहर घूमने का, और कभी कभी हमारे लिए इमरजेंसी भी हो जाती है, तो हमारी चिंता होती है प्लांट को लेकर कि प्लांट को पानी कौन देगा। और ये कितने लोग तो प्लांट रखते भी नहीं है इस वजह से कि हमें बाहर घूमने जाना पड़ता है या कहीं बाहर जाना पड़ता है, और जो है इसलिए प्लांट भी नहीं रखते कि कौन देखभाल करेगा और कौन उनको पानी देगा। तो अब इस समय इतनी गर्मी है कि अगर पानी एक दिन भी नहीं लगेगा तो प्लांट हमारे सूखने लगते हैं। तो हम ऐसे क्या उपाय करेंगे अगर हम घूमने बाहर जाते हैं या किसी भी काम से बाहर जाते हैं, जो हमारे प्लांट ना सूखे हमारे पीछे और पानी भी उन्हें मिलता रहे और ये हरे भरे रहे। और देखिए, मुझे भी जाना पड़ता है बाहर, तो मैं क्या करके जाती हूँ, कौन कौन से उपाय करती हूँ, मैं आपको वो आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर तो लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर दें। और देखिए, गर्मी ज़्यादा है तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये मल्चिंग कर देंगे। जो भी नारियल के हमारे पास ये टुकड़े होते हैं तो इनसे मल्चिंग बहुत अच्छी होती है और नमी भी रखते हैं, और ये प्लांट को जो है ये पानी देते हैं तो फर्टिलाइजर का काम बहुत अच्छा करते हैं, ठंडक रखते हैं प्लांट को, तो पानी की कम जरूरत होती है अगर हम ये चीज़ करते हैं। और कुछ प्लांट में हम जैसे प्लांट ये हरे भरे ये रख देते हैं, इससे भी पानी की कम जरूरत होती है। तो ये प्लांट, ये मॉस रोज के ये जो भी है, तो हम ऐसे ही रख देते हैं तो तब भी कम जरूरत होती है। और कुछ ये वेंडिंग जो होती है, देखिए मेरे इसमें ये भरी है तो इसमें मुझे कम जो है पानी डालना पड़ता है, तो इसको जो है बैंडिंग जू को डाल दीजिए। ये तो बहुत ऐसा प्लांट है ये, इसका तो अगर आप ऐसे भी तोड़ के इसमें डाल दोगे तो ये ऊपर आराम से चल जाएगा। तो काफ़ी सारे अपने टुकड़े टुकड़े तोड़ के डाल दीजिए, उससे ये एकदम जड़ पकड़ते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो कोई भी मौसम। और एक बैंडिंग जू ही आती तो ये डाल दीजिए। ये क्या होता है, ये पानी ज़्यादा नहीं लेते और ये, लेकिन ये ठंडक रखते हैं, प्लांट को पूरा भर देते इस तरह, ये देखिए वेंडिंग जू से, और ये जो है प्लांट की मिट्टी नहीं सूखने देते, और जड़ भी इनके ऊपर ऊपर होती है रूट्स, तो ये इसलिए प्लांट को हरा भरा रखते हैं। ये काम भी कर सकते हैं। एक मल्चिंग के लिए आपके पास सूखे पत्ते होंगे, आपकी पेड़ पत्तियों के, तो उसको उसकी मल्चिंग भी बहुत अच्छी होती है सूखे पत्तों की और फूलों की, उससे भी पानी की कम जरूरत होती है। ये देखिए, मैंने इसमें सूखे पेड़ की वो फूलों की जैसे रखी हुई है और पत्तियाँ रखी हुई हैं कुछ इसी तरह, तो ये भी मैं रख दूँगी, तो इससे क्या होता है, इससे भी पानी की हमें कम ज़रूरत पड़ती है। तो ये इतने काम हम पहले कर देंगे। और आपको पानी ज़्यादा नहीं देना है, इसको गीला करके मोटे कपड़े को कुछ भी, या हमारे पास जो सुतली वाला वो जो होता है जो बोरी कट्टे आते हैं, तो उसको भी रख सकते हैं, तो निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें तो 2 दिन आपके बड़े आराम से निकल जाते हैं। पानी दे दीजिए और इसी के ऊपर से, और ये कपड़े को चारों तरफ से घुमा के रख दीजिए, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। और देखिए, ये उपाय भी बहुत बढ़िया है। तो ये खाली टप को, कैसी भी टप हो, बाल्टी हो, डिब्बे हो, किसी भी तरह के बर्तन हो, परात हो, कुछ भी हो हमारे पास, तो हमें पहले पानी से हमें फिल करना, और फिल करके तो ये, तो ये देखिए ज़्यादा भर गया, इसको मैं कम करूँगी। फिर हमें क्या करना, जो भी हमारा बड़ा छोटा प्लांट इसमें आ जाए तो हम उसको रख देंगे, और हम कुछ इसमें डालेंगे भी, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी, जिससे ये ठंडा रहे ये पानी। और ठंड, क्योंकि अगर आप धूप में रख रहे हो तो ठंडा फर्टिलाइज़र भी चाहिए इनको, और इस पानी के अंदर ही हम डाल देंगे उसको। तो जो भी प्लांट है, जो भी हम रखना चाहते हैं, तो वो इसमें हम रख सकते हैं। जैसे गुलाब है, हिबिस्कस है, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जो भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जो भी हमारे प्लांट हमारे पास है, हम वो रख सकते हैं। तो इसमें टप में मैं रखने वाली हूँ कुछ प्लांट। आपने देखिए, ये मेरा टप इतना बड़ा है और मैंने ये पानी से ये फिल कर दिया है, और इसमें मैंने अपने एक गुलाब के, जो मुझे लगा कि गुलाब के प्लांट मेरे पानी के बिना सूख जाएंगे मेरे पीछे,
तो ये जो है इस पर फूल भी बने रहेंगे और कलियाँ भी देते हैं और हरे भरे रहेंगे ये। तो ये प्लांट मैंने दो जैसे इसमें रख दिया, तीन भी रख सकते हैं, इसमें जगह है। और ये देखिए, ये मुझे पता है ये मेरा प्लांट सूख जाएगा, फिर इसमें कलियाँ वलियाँ सूख जाएंगी, क्योंकि क्या होता है गुड़हल में भी अगर धूप रहती है, पानी नहीं लगता, तो एक दिन में ही सूख जाता है। उसके लिए मैंने ये बड़ा टप लिया और ये बड़ा गमला था इसमें रख दिया। इस तरह हम अपने प्लांट को बचा सकते हैं और हरा भरा रख सकते हैं और छुट्टी भी हम आराम से मना सकते हैं। ये देखिए टप में, बाल्टी में, जिसमें भी आपने रखा है, तो एक काम और करना है, ये जो सफ़ेद चीज़ है ये और डाल दोगे तो ये प्लांट आपके बिल्कुल हरे भरे रहेंगे, सूखेंगे भी नहीं, इससे ठंडे भी रहेंगे और इससे फर्टिलाइज़र भी मिलेगा। तो इससे देखिए, ये दही का होता है जो मट्ठा होता है, तो ये मट्ठा है या लस्सी, छाछ, जो भी आप बोलते हैं, ये सफ़ेद चीज़ वो, तो ये मैंने ये छाछ बनाई हुई है मट्ठा। और अगर हम इसको दो तीन चम्मच ये भी डाल देंगे इसमें पानी में, जो हमने ये फिल किया है, और ये एक्टिव फंगल का काम भी करती है, ये इसमें पानी में अगर पड़ जाएगा दो चम्मच, तो ये देखिए इसमें मच्छर वच्छर भी नहीं होंगे इसमें, तो ये ज़रूर डालिए, अंदाज से डालिए। अगर पानी ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आप डाल दीजिए, कम ज़्यादा भी हो जाए तो इसमें जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इतना है कि इसमें मलाई ना हो और इसमें मक्खन ना हो, बिना मलाई मक्खन का ये छाछ होता है ये डाल दीजिए, तो इससे जो है ये एंटी फंगल का काम करेगा, मच्छर वच्छर भी इसमें नहीं आएंगे और अंडे बच्चे नहीं बनेंगे। और इस ठंडी लस्सी में ये एसिड तो होता है, ये लैक्टिव एसिड, तो एक्टिव फंगल का भी काम करता है और कार्बोहाइड्रेट का भी काम करता है, वसा, प्रोटीन, काफ़ी सारे इसमें मिनरल विटामिन होते हैं, कैल्शियम, जिंक और सोडियम, मैग्नीशियम। और ये जो है इसको अब अगर डाल दे तो पानी की जो है कम पानी की ज़रूरत होती है प्लांट में, तो इससे ठंडा रहता है, इसलिए हमें ये भी डाल दें अगर हम जा रहे हैं पीछे, वैसे भी डाल दें अगर नहीं भी जाए, अगर हम पानी अपने प्लांट को कम देना चाहते हैं, दोनों टाइम नहीं देना चाहते, एक टाइम देना चाहते हैं, गर्मी बहुत है, फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा और ये ठंडा भी रखता है हमारे प्लांट की मिट्टी को और ग्रीन हरा भरा रखता है। और देखिए इस सफ़ेद पानी को, ये जो लस्सी है, तो इसको हम ऊपर से भी जो है मिट्टी में भी डाल सकते हैं, तो ये मिट्टी हमारी जो है ठंडक बनी रहेगी, तो प्लांट हमारे ये हरे भरे रहेंगे और ये फर्टिलाइज़र का बहुत अच्छा भी काम करती है और ठंडक भी बनाए रहती है। तो हमने क्या कहा, हमने ये एक कप है तो इसमें 10 कप पानी डाल दीजिए और इसको इसमें मिला दीजिए, बस ये बहुत अच्छा ये ठंडा लिक्विड हो जाता है। और सभी प्लांट को, जितने भी हैं इनडोर आउटडोर, सबको दीजिए, तो ये बहुत इसमें फर्टिलाइज़र का काम भी करेगी और ये ठंडा भी फर्टिलाइज़र होगा, ये बहुत अच्छा होता है। और देखिए पिछले साल मैं 3 दिन के लिए बाहर गई थी जून के महीने में, तो देखिए ये आइडिया मुझे बहुत बेस्ट लगा। ये मैंने सारे जो है, ये नाली है, ये देखिए नीचे मेरी बनी हुई और ये पूरी लंबी नाली है, तो आपके पास छोटी नाली है, बड़ी नाली है, और मैंने बहुत सारे आइडिया दिए हैं आप। तो ये मैं क्या करती हूँ, ये पानी मेरा चाहे तो टंकी से है या ये सीधा पानी आ रहा नल में, कहीं से भी कैसे भी आ रहा, इसको मैं इतना सा ये खोल कर रखती हूँ, सिर्फ एक बूंद टपकती रहती है। और इसमें ये नीचे से जो है प्लांट बॉटम से ये पानी जो है एब्जॉर्ब करता रहते हैं, तो मैं सारे जितने मेरे इंडोर होते तो मैं उनके लिए यही करती हूँ, नीचे ये पानी टपकता रहता है और मैं इसमें रख जाती हूँ। ये प्लांट एक भी मेरा नहीं मरा था और गर्मी थी उसमें 3 दिन तक बहुत ज़्यादा, तो ये देखिए मेरे सारे प्लांट बहुत अच्छे से चले थे। अगर आपके पास है तो ये भी कर सकते हो, या नीचे ज़मीन है मिट्टी वाली तो उसमें भी ये वाला काम कर सकते हो, बहुत अच्छा है ये बेस्ट आइडिया है। और आपके पास बहुत सारे प्लांट हैं तो आपके पास इतना जो है बाल्टी नहीं है, टप नहीं है और बॉटलें नहीं है, तो एक काम और करें, तो ये देखिए ये कपड़े लीजिए या आप बोरी सुतली वाली जो आती है टाटा वाली वो लीजिए, और इसमें ऐसे करके इसके पीछे से, जैसे इतने सारे गमले हैं हमारे, तो इसके पीछे से ये बिछा दीजिए, ये देखिए ऐसे। और इसके काम करने के लिए बस हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की पाइप की, और हमारा पानी जो है टंकी ना फुल होनी चाहिए। तो ये देखिए ये मैंने एक पाइप लिया, तो टंकी से ये कनेक्टेड है, ये देखिए वहाँ से टोटी से ये कनेक्टेड है, जहाँ भी आपके पास टोटी लगी है तो ये यहाँ से कनेक्टेड है। तो ये मेरा जो है पानी, मेरा इसमें इतना रखना है हमने कि थोड़ा सा पानी इसमें
चलते रहने देना ना थोड़ा सा। और ये जितने भी प्लांट हैं हमारे, ये सारे नीचे से नमी लेंगे, इस तरह से हमने रख देना, और पानी इसके ऊपर चलता रहेगा थोड़ा थोड़ा, बूंद बूंद, इतना नहीं कि बहुत सारा, थोड़ा बूंद बूंद, थोड़ा हल्का हल्का, इस तरह से थोड़ा थोड़ा टपकता रहेगा। तो ये सारे प्लांट जितने भी हैं ना, नीचे से जमीन से ये पानी लेते रहेंगे और ये सारे हरे भरे रहेंगे। अगर हमारे पास ज़्यादा प्लांट है तो ये वाला भी काम आप कर सकते हो, बहुत अच्छा है अपने प्लांट बचाने के लिए। और देखिए जैसे हमारे ये छोटे छोटे प्लांट हैं, और जैसे ये सेकुलेंट के है, और ये और भी ये वैरायटी होती है, तो ये देखिए, तो इसमें ये छोटे ही बर्तन में रखें और थोड़ा पानी इसमें डाल के रखें। अगर हम ज़्यादा बड़े बर्तन में रखेंगे, टब वगैरह में, तो ये हमारे ख़राब हो जाएंगे। और ये जो है इतना पानी रखें, बस ये चलते रहे हरे भरे। और अगर आप ये पानी में जैसे रखे जाओगे ये छोटे वाले, तो ये तो चाहे आप एक महीना भी बाहर चले जाओगे ये तब भी नहीं सूखेंगे। बस थोड़ा पानी रख दीजिए और ये नीचे से बॉटम से अपना ये पानी एब्जॉर्ब, इसमें ये इसका जो रूट्स होता है अंदर वो लेता रहेगा और ये हरे ग्रीन बने रहेंगे। और देखिए हमारे पास बड़ी छोटी बोतल बहुत सारी हमारे पास होती है, तो इनको सभी को पानी में फिल कर लीजिए, और अपने हिसाब से जो बड़ा गमला है तो बड़ी बोतल रख दीजिए, और छोटा गमला है तो छोटी बोतल रख, और इसमें पानी भर लीजिए, और सब में इसमें छेद कर दीजिए छोटा छोटा। तो मैं भी इसमें छेद कर दूँगी, किसी भी नोकदार चीज़ से आप छेद कर सकते हो, तो मैं छोटा सा ही करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। देखिए बोतल में पानी फिल करेंगे और उसमें एक छेद करेंगे तो पानी की बूंद कुछ ऐसे टपकती रहेगी इसमें। इस तरह से हम रखेंगे, जो छेद करा है वो नीचे नहीं रखेंगे, इस तरह से थोड़ा सा रखेंगे, जो इसमें पानी बिल्कुल नीचे टच नहीं करना हमने, यहाँ पे छेद छेद हमने यहाँ साइड में करना है। तो ये देखिए जहाँ से ये पानी टपक रहा है, और बड़ी सावधानी से छेद करेंगे, इसमें ये पानी निकलता रहेगा, और इसको थोड़ा सा इसमें खोल के रखेंगे ढक्कन, ताकि इसका पानी ये तभी निकलेगा, नहीं तो अगर हम बंद करके रख देंगे पूरा, थोड़ा सा इसको लूज करेंगे ढक्कन को, तो ये पानी इसमें निकलता रहेगा, बूंद इसमें टपकती रहेगी ऐसे। तो ये काम भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये देखिए, तो ये पानी से जो है थोड़ा बूंद टपकती रहेगी और ये प्लांट हमारे हरे बने रहेंगे, हमें फिर पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कई दिन तक ये चल जाता है, सप्ते भर तक, छोटी बड़ी बोतल जितने दिन जा रहे हैं, बड़ी अगर ज़्यादा दिन जा रहे हैं तो बड़ी बोतल रखें, कम दिन जा रहे हैं तो छोटी बोतल रखें। और आपके प्लांट भी हैप्पी और आप भी हैप्पी। हैप्पी गार्डनिंग, हैप्पी होलीडे, और लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका।